सब्सक्राइब कीजिए लॉ कैप्सूल को और बेल आइकन को दबाइए इंडिया में चल रहे दिन प्रतिदिन कानून की जानकारी लेने के लिए। इंडिया में वैसे तो शराब बेचना इलीगल होता है, कोई भी व्यक्ति वाइन बियर जैसी हार्ड ड्रिंक्स नहीं बेच सकता, लेकिन अगर आपके पास उसका एक कानूनी लाइसेंस है तो आप उसे सरकार की परमिशन से बेच सकते हैं और उसे किसी पार्टी में या फिर किसी भी फंक्शन में सर्व भी कर सकते हैं। शराब बेचने के लिए हर व्यक्ति को राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। यही नहीं, पब्लिक प्लेस या शादी या सोशल गैदरिंग यानी कि सामाजिक सभा में भी शराब बेचने या सेवन करने की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको भी कोई वाइन या बियर शॉप खोलनी है तो आपको कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि अल्कोहल बेचने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होती है, और हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति एक बियर या वाइन शॉप से कितने पैसे कमा सकता है, और हम जानेंगे कि अगर आपको भी किसी पार्टी में या फिर किसी भी घर के फंक्शन में अल्कोहल सर्व करनी है तो आपको कौन से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है और वो कितने का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको लाइसेंस के लिए कहां पर अप्लाई करना होता है। इंडिया में आपको वाइन या बियर शॉप खोलने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है। इंडिया में हर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नियम और शर्तें रखी हैं जिसका पालन हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। हर स्टेट में एक पर्टिकुलर सरकार का एक्साइज डिपार्टमेंट होता है जो शराब की दुकानों के लिए अलग अलग लाइसेंस देता है। लेकिन ध्यान रहे, इंडिया में कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां पर शराब बेचना पूरी तरह से सख्त है, जैसे कि बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसी अलग अलग स्टेट्स। तो चलिए अब बात करते हैं पैसे की। अगर आपको भी कोई वाइन या बियर शॉप खोली है तो आपके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। लाइसेंस अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फीस जमा करनी होती है। यह कुछ 5,000 से लेकर के 15,000 या उससे अधिक हो सकती है। इसके अलावा आपको शराब सर्व या बेचने के लिए एक लाइसेंस्ड जगह चाहिए होती है। शराब का एक अच्छे स्टॉक के साथ साथ आपको कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता भी होती है। अगर एक मोटे अनुमान के साथ बताऊं तो आपको शराब की दुकान शुरू करने के लिए कम से कम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस स्थान पर ये काम खोलना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति एक बियर या वाइन शॉप से कितने पैसे कमा सकता है। भारत में शराब की दुकान की कमाई क्षेत्रों और राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है। अल्कोहल शॉप की कमाई इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है। अगर हम एवरेज निकालें तो एक दिन में कम से कम 20 से 25,000 रुपए कमा सकते हैं और एक साल में जो बन जाता है 80 से 90 लाख रुपए। तो चलिए अब बात करते हैं अलग अलग लाइसेंसेस की जो कि आपको चाहिए होंगे अगर आपको कोई बियर या वाइन शॉप खोलनी है तो, या फिर अगर किसी भी पार्टी में आपको बियर या वाइन जैसी हार्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करना हो तो। तो सबसे पहले आता है L1 लाइसेंस। यह एक कंपनी या एक सोसाइटी या एक पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही होती है उन्हें दिया जाता है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए या तो आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट की एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर के एप्लीकेशन फिल करनी होगी या फिर इसकी एप्लीकेशन न्यूज़पेपर में भी सरकार द्वारा निकाली जाती है। दूसरा इसमें आता है L3 लाइसेंस। ये लाइसेंस सरकार द्वारा बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दिया जाता है और इस लाइसेंस को देने के लिए सरकार द्वारा टेंडर निकाले जाते हैं। तीसरा इसमें आता है L6 लाइसेंस। यह स्टेट गवर्नमेंट के चुनिंदा कारोबारियों को ही इंडियन ब्रांड की शराब बियर के व्यापार के लिए दिया जाता है। उसके बाद आता है P10 लाइसेंस। अगर आप अपनी स्टेट में कोई भी फंक्शन करते हैं जैसे कि मैरिज या गेट टुगेदर के टाइम, आपको P10 लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद आता है L10 लाइसेंस। ये लाइसेंस रिटेल शॉप्स को भी इंडियन या विदेशी ब्रांड की शराब बेचने के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं P13 लाइसेंस की। ये लाइसेंस किसी भी होटल को, रेस्टोरेंट को या फिर किसी भी क्लब्स को उनकी लाइसेंसी परमिशन के बाहर जाके वाइन या बियर जैसी हार्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए एक दिन के लिए दिया जाता है। तो ऐसे ही इंडिया के इंटरेस्टिंग लॉज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए इंडिया के लेटेस्ट लॉ जानने के लिए।